और हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. Are you ready? आपके आप तैयार हैं? Take your Bible in your hand. और आप बाइबल को अपने हाथों में ले आ. और ये सही समय मुझे देखने के लिए किसने बाइबल को लेके आया है. सर अपने बाइबल को चेक कीजिए. पूजा टेक द फोटो प्लीज. एवरीबॉडी हैज अ बाइबल टुडे. सब लोग के पास बाइबल है आज. इट्स वंडरफुल टू सी द बाइबल. अच्छा है ये बाइबल को देख के. पूजा व्हेयर इज योर बाइबल. ओके सी यू नेक्स्ट मंथ. ओके सी विद मी. ये बाइबल परमेश्वर का वचन है. जो कुछ लिखा हुआ है मेरे लिए है. आज मैं जो भी इस बाइबल से जिसके पास बाइबल है बोलेगा उस बाइबल से, है ना, उस बाइबल से सुनूंगा वो मेरे लिए होगा. आमीन. ताली बजा दीजिए अपने लिए. In the Old Testament, there is a book called Ecclesiastes. और पुराने नियम में जो है एक किताब है जिसका नाम सर्वोपदेशक है. And that is, I believe, right after Proverbs. और जो है वो नीति वचन के बाद है. And if you have New Testament, you will not get that. यदि आपने नया नियम लेकर के आया है तो आपको उसमें नहीं मिलेगा. Okay, if you don't have Bible, here are some Bible. Can you test it out? और जो है किन्हीं के पास बाइबल है तो नया नियम यहाँ पे है, ले सकते हैं. You can check from there. आप यहाँ से ले सकते हैं. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. और सर्वोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 1 आयत. Now everybody listen this carefully. और इसे जो है ध्यान पूर्वक सुने. I'm going to speak to you this morning on sowing and reaping. आज सुबह जो मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ जो विषय है वो है बोना और काटना. Sowing and reaping. बोना और काटना. The Bible says in the Ecclesiastes chapter 3 verse 1. बाइबल हमें सर्वोपदेशक उसका 3 का 1 वे इस प्रकार से कहती है. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है समय है. A time to be born, a time to die, a time to plant and a time to pluck what is planted. जन्म का समय, मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है. A time to kill, a time to heal, a time to break down and a time to build up. घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय. Verse 4, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn, a time to dance. और चौथी आयत में लिखी है रोने का समय, हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय. A time to cast away stones, a time to gather stones, a time to embrace and a time to refrain from embracing. पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है. A time to gain, a time to lose, a time to keep, a time to throw away. ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है. A time to tear, a time to sue, a time to keep silence, a time to speak. फाड़ने का समय और सोने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है. A time to love, a time to hate, a time to war, a time to of peace. प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल करने का भी समय है. A time to keep beard, a time to shave off. और एक समय है दाढ़ी रखने का और एक बार सेब बनाने का भी. And praise God, there is a time. Bible says there is a time for everything. और बाइबल बताती है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हर एक बात के लिए समय है. There is a season. और जो है समय है. There's a different season God brings in our life. और अलग-अलग समय जो है परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है. A time to cry. और एक समय होता है जब हम रोते हैं. A time to laugh. और एक समय होता है जब हम हंसते हैं. A time to mourn. और एक समय होता है जब हम विलाप करते हैं. A time to dance. और एक समय होता है जब नाचते हैं. A time to struggle. और एक समय होता है जब हम संघर्ष करते हैं. A time to rejoice. और एक समय होता है जब हम लोग खुशी मनाते हैं. There is a time for everything. और हर एक बातों के लिए एक समय होता है. There is a season for everything. और हर एक बातों का एक समय होता है. The Bible says, though you have to cry at night, but morning comes with happiness. और बाइबल हमें बताती है यद्यपि तुम्हें रात में रोना भी पड़े लेकिन सुबह जो है आनंद के साथ आता है. Hallelujah. Hallelujah. Though you have to cry at night, but morning comes with happiness. और रात में आपने रोया हो लेकिन सुबह जो है वो आनंद का समय होता है. There is sunshine after the rain. और जो है हमेशा जो है बारिश के बाद जो है वो सूरज चमकता है. Hallelujah. Hallelujah. There is a
rain. और बारिश के बाद जो है सूरज निकलती है. But there is always possibility. और हमेशा जो है संभावनाएं हैं. We have 100 plus people here. और यहाँ पे 100 से भी ज्यादा लोग हैं. So we have 100 plus possibility this morning. तो यहाँ पे जो है 100 से भी ज्यादा संभावनाएं हैं. Hallelujah. Hallelujah. That is possibility in the name of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में संभावनाएं हैं. Though you may be crying this morning. और इस सुबह में आप रो रहे होंगे. Though maybe your heart is very sad. और आपका हृदय हो सकता है बहुत दुखी हो. Maybe you are trying for something. और आप किसी बात के लिए कोशिश कर रहे हो. Bible says. पर मेरा बाइबल इस प्रकार से बताती है. That there is a time to laugh also. लेकिन एक समय आता है जब हम हंसते भी. There is a time to rejoice and dancing. और एक समय होता है जब आनंद मनाते हैं और नाचते हैं. And I pray that time will come soon in many lives. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ऐसा समय जो है बहुतों के जिंदगी में आने जा रहा है. I'm so thankful for to all of you. और मैं आप सब लोगों के लिए बहुत धन्यवादी हूँ. That you are a disciple maker. कि आप सब लोग जो है चेला बनाने वाले लोग हैं. Our theme for this year, the purpose of this year, the target and the goal of this year is to make disciples. और इस साल का लक्ष्य और हमारा ध्येय जो है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चेले बना सके. And that's why we are growing. और इसीलिए हम लोग बढ़ रहे हैं. But there are so many people still in Ranchi, they don't know about the love of Jesus. लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस रांची शहर में जो कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जान पाए. I'm so thankful to some of you. और मैं आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत धन्यवादी हूँ. About your testimony. और आपकी गवाही को जानकर. What God is doing in your life. और परमेश्वर क्या अद्भुत कार्य आपके जीवन में कर रहा है. Oh, you know, I was praying this morning for somebody. और मैं आज सुबह जो है किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था. I was thinking about that person. और मैं उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था. People are having some diseases. The doctor said it is impossible. और जो है किसी व्यक्ति के पास जो इतने सारे बीमारी होते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि ये बहुत मुश्किल है. I visited last two weeks back a hospital in Sindhiga. और दो सप्ताह पहले जो सिमडेगा में मैं एक हॉस्पिटल में गया था. I learned about some of the things there, how they do this operation and how do they do that treat different sicknesses. और जो अलग-अलग बीमारियों का ऑपरेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी हासिल कर सका. Some sicknesses are very dangerous. और कुछ जो बीमारी बहुत ही मुश्किल होता है. That every month, you know, you have to put, you have to renew your blood. You know, you have to go under dialysis. और जो है कुछ कुछ बीमारियां जो होती हैं कि हमेशा ब्लड को आपको चेंज करना पड़ेगा, डायलिसिस में जाना पड़ेगा. You know, but I know for sure. लेकिन मैं इस बात के लिए पक्का हूँ. Even you may go even through that sickness. और यहाँ तक कि आप उस बीमारी से भी होके जा रहे हैं. But still Jesus loves you. लेकिन फिर भी प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है. And he is able to heal you. और वह सामर्थ्य है आपकी बीमारी को चंगाई देने में. And he has seen your faithfulness. और उसने आपकी विश्वास योग्यता को देखा है. He has seen your faithfulness. और उसने आपकी विश्वास योग्यता को देखा है. You may be sick. और आप बीमार हो सकते हैं. You are thinking you are sick. और आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं. But I want to challenge you to see that there is a time to cry, but there will be a time in your life to laugh and dance and say thank you, Jesus, because you have healed me. और जो है आपके जीवन में जो एक समय होगा रोने का, लेकिन एक समय होगा जब आप नाचेंगे, गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आपने मुझे चंगाई दी. You will be the living testimony. और आप जो है एक जीवित गवाह बन जाएंगे. Friends, I will tell you this morning, there is a time to sow and there is time to reap. और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक समय होता है रोपने का, एक समय होता है कटनी का. Turn with me to Galatians chapter 6. और मेरे साथ में गलातियों उसका 6 अध्याय को निकालिए. Galatians chapter 6 starting from verse 7. गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 7 आयत से आगे. Galatians chapter 6 starting from verse 7. गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 7 आयत से आगे. It says like this, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, he will also reap. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the spirit will of the spirit reap everlasting life. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. हम भले काम करने में साहस न छोड़ेंगे, कि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे. Therefore, as we have opportunity, let us do
good to all, especially to those who are of the household of faith. इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ. The Bible says, "Do not be tired in doing good things." और बाइबल हमें बताती है कि अच्छे कर्म करने में ढीले न बनो. Sometimes we get tired. और कभी-कभी हम लोग जो है tired हो जाते हैं. Sometimes when we don't have result, we get frustrated. और जब हमें प्रतिफल नहीं मिलता तो हम जो है दुखी हो जाते हैं. Sometimes we are trying our hard, we are trying our best, and we get tired, we get very frustrated, we think, when will the time come for me? और कभी-कभी जो ऐसा होता है कि हम बहुत ही जो है दुखी हो जाते हैं, निरुत्साह हो जाते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं, कब वो मेरा समय आएगा? See, what if God says that do not be tired, do not be weary in doing good things. और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि भले काम करने में कभी भी ढीले ना बनो. What you are going to sow, so shall you will reap. और जो कुछ भी तू बोएगा, उसी को काटने काटने पाएगा. There is a person named Sir Robert Watson Watt. और एक व्यक्ति है जिनका नाम रॉबर्ट वाटसन वॉट है. This man, he invented radar, which can tell you that how speed the car, and the motorbikes are going, the motorbikes are going. और उसने जो है रडार का निर्माण किया, जो कि दिखाता है कि कितने स्पीड से कार और बाइक जा सकता है. One day he was going very fast. और एक दिन जो है वो बहुत ही तेज गति से जा रहा था. And he was arrested because of the over speeding. और एक उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पीड चला रहा था. He had been caught by radar trap. और जो है रडार के जाल में वो फंस गया. He was victim of his own invention. और जिस चीज के उसने निर्माण किया था उसी का वो शिकार बन गया. This man, he made the radar. और इस व्यक्ति ने रडार का निर्माण किया. And police used the same radar to catch him and arrested him. और पुलिस ने जो है उसी रडार का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लिया. See, whatever you sow, you will reap. और जो कुछ भी आप बोएंगे उसको काटेंगे भी. This morning I will tell you. और इस सुबह में आपको मैं बता दूं. There are three given to the believers in Galatians chapter 6. और तीन सिद्धांत जो है मसीही लोगों को गलातियों उसका 6 अध्याय में दिया गया है. We have to understand this morning that when we are sowing, we are going to reap. और जो इस बात को हमें समझना है कि जब भी हम बोते हैं तो हमें कटनी भी काटनी पड़ेगी. Number one. पहली बात. God knows what you sow. और परमेश्वर जानता है कि आप किस चीज को बोते हैं. Verse 7, it says that do not be deceived. God is not mocked. और बाइबल गलातियों उसका 6 का 7 में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता. Do not fool yourself. और अपने आप को धोखा ना दे. Do not be deceived means do not fool yourself. और अपने आप को धोखा देने का मतलब अपने आप को मूर्ख ना बनाए. Because God cannot be mocked. God cannot be fooled. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता. परमेश्वर को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता. He knows what you are sowing. और उसे पता है जो कुछ को भी आप बोते हैं. He knows why you are sowing. और उसे पता है कि आप क्यों बोते हैं. Because he is a good farmer. क्योंकि वह जो है अच्छा किसान है. Our God is a good investor. और हमारा परमेश्वर जो है अच्छा इन्वेस्टर है. The Bible says that he sowed Jesus Christ as a seed and till today he is getting the harvest. और जो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने एक बीज के रूप में बोया और उसका कटनी वो अभी तक काट रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Jesus died for the sins of mankind. और प्रभु यीशु मसीह पूरी मानवता के लिए जो है अपने जान को दिया. And till today God our Father, he is getting the harvest. और आज तक जो है हमारा परमेश्वर कटनी को काट रहा है. We may think sometimes that we are sowing love, but actually we are sowing the problem. और जो है हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमने प्रेम का बीज बोया लेकिन हम लोग जो समस्या का बीज बोते हैं. Now each one of us, we carry atmosphere with us. और हम में से सब लोग जो है वो अपने साथ में जो है वातावरण को लेके चलते हैं. We carry atmosphere. और अपने साथ में जो है एक वातावरण को लेके चलते हैं. Are you carrying, are you sowing a good atmosphere or positive atmosphere or negative atmosphere? क्या आप जो है सकारात्मक जो है वातावरण को लेके चलते हैं या नकारात्मक? What you are sowing this morning? और इस सुबह में आप किस चीज को बोल रहे हैं? Bible says God knows what you sow. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर को पता है कि आप क्या चीज का बीज बो रहे हैं. We may sow before everybody. Very good. Oh, praise the Lord. Hallelujah.
हालेलुया और सबके सामने जो है अच्छे प्रकार से बीज को बो सकते हैं और बोल सकते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बट मे बी व्हेन चर्च पीपल आर नॉट विद यू लेकिन जब कलीसिया के लोग आपके साथ नहीं है तब क्या होता है बाइबल सेज गॉड नोज व्हाट यू सो बाइबल बताती है कि परमेश्वर को पता है ज्ञात है कि आप क्या रोपते हैं समटाइम वी आर समबडी एल्स बट वी आर यू नो बिफोर द पीपल सोइंग समथिंग एल्स और हम लोग होते कुछ और हैं लेकिन लोगों के सामने में अपना प्रस्तुतिकरण अलग दिखाते हैं there was a boy he liked you know the small puppy very much और जो है एक एक जो है पिल्ला जो है एक वो बहुत पसंद करता था एक बच्चा small boy he liked puppy very much और जो है एक छोटा कुत्ता के बच्चे को जो है वो बच्चा बहुत पसंद करता था he saved some money और उसने कुछ पैसे को बचाया and he went to the market to buy puppy और जो है वो मार्केट में गया कि वो पिल्ला को खरीद सके and he loved cricket also so much और उसे जो है क्रिकेट भी बहुत पसंद था so he went to buy puppy और वो गया वो पिल्ले को खरीदने के लिए and from the market he got it and the puppy was placed in a small box and he was coming back to his home और जो छोटा बक्से में जो है पिल्ले को खरीद के खरीदा था उसमें मिला उसे और अपने घर की ओर आ रहा था and then on the way he saw on the ground his friends are playing cricket aur maidan mein usne dekha ki uske dost sare jo hai cricket khel rahe the and his friends said hey come on play with us aur uske dost ne kaha ki are aao mere saath mein cricket khelo okay yes I'm going to play aur usne kaha are theek hai main khelunga so he kept his puppy near the bush aur ye jhaadi ke aas paas jo hai usne apna pyara ko chhod diya pilla ko chhod diya and then one of the friends was very naughty aur uska ek dost He found a small piglet. और जो है और छोटा जो है एक सूअर का बच्चा उसे दिखा And he took the puppy away and put the pig there. और उसमें से पिल्ला को निकाल के सूअर का बच्चा उसमें डाल दिया And then this boy after playing. और जो है खेलने के उपरांत He took the box and went to mommy I brought puppy. और वो अपनी मम्मी के पास आके बोला मम्मी देखो मैं एक पिल्ला को लाया हूँ I like this puppy. और मुझे ये पिल्ला बहुत पसंद है As he opened the box, और जब उसने जो है बक्सा को खोला there is a pig there. और वहाँ पे जो है एक सुअर का बच्चा था His mommy said, "Oh, this is pig. You said it's puppy." और अरे ये तो सुअर का बच्चा है तुमने तो बोला था पिल्ला है Oh, his mommy said, "Maybe the shopkeeper cheated you." और हो सकता है कि दुकानदार ने तुम्हें धोखा दिया हो. This boy was very angry. और यह वो बच्चा जो बहुत गुस्सा आ गया. Next day he took the box. और उसने फिर से उस बॉक्स को उठाया. He is going to the shopkeeper. और वह जो है दुकानदार के पास गया. And he found that his friends are playing cricket. और फिर देखा कि उसने कह रहे उसका दोस्त जो है क्रिकेट खेल रहा है. So, where are you going? Come and play with us. अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे साथ में खेलो. He took the box and put near the bush. और फिर उसने जो है झाड़ी के पास पास जो उसने पिल्ले का रख दिया After playing, और खेलने के उपरांत and his naughty friend he took out the puppy he took out the piglet there and put the puppy again और सुअर का बच्चा को फिर उसने बाहर निकाला और उसने फिर पिल्ला को डाल दिया And this boy he went to the shopkeeper. और वह बच्चा जो है फिर गया दुकानदार के पास. I ask you, puppy, you gave me piglet. अरे आपसे मैंने जो है पिल्ला मांगा था, आपने जो है सुअर का बच्चा दे दिया. And they opened the box. और उसने जो है बक्से को खोला. It's puppy. और उसके अंदर जो पिल्ला था. What is happening? अरे क्या हो रहा है? He took the box again. और उसने बक्सा को लिया. On the way there is a ground. और फिर वहाँ पे जाके ground में गया. And then he saw that his friends are playing. और उसने देखा कि उसके दोस्त खेल रहे थे. Again the puppy changed to piglet. और फिर जो है उस पिल्ला को बदल के उसमें सुअर का बच्चा डाल दिया गया. He goes home. और वो घर जाता है. There is a piglet in the box. और उसके बक्सा में जो piglet था. Comes to the shopkeeper. फिर दुकानदार के पास वापस आया. There is a puppy in the box. और बक्सा में जो है उसमें puppy रखा हुआ था. Just change it. और वहाँ पे जो है बदलाव कुछ हो रहा है. Sometimes we are like that. और कभी-कभी हम लोग भी वैसे ही हैं. Oh, one side we are very good, you know. और बाहरी रूप से जो है बहुत अच्छे दिखते हो. But sometimes, you know, like a roaring lion, I'm going to devour you. और जो है कभी-कभी ऐसा दिखता है कि आप जो है दहाड़ने वाले सिंह के समान हैं, फाड़ खाएंगे. We change ourselves too much. और हम अपने आप को बहुत बदलते रहते हैं. So before everybody, we are very good. Oh, we are angels.
और सब लोगों के सामने हम लोग स्वर्गदूत जैसा रोल करते हैं। I was studying in Kerala. और मैं केरला में पढ़ाई करता था। And in Kerala they speak Malayalam. और केरला में जो है मलयाली भाषा बोलते हैं। I was in the class. और मैं क्लास में गया। And then my teacher said. और मेरे टीचर ने कहा। You know Malayalam is heavenly language. और मलयालम जो है वो स्वर्गीय भाषा है। You read from left to right, right to left. It is Malayalam, Malayalam. Spelling you read anywhere, it is Malayalam. और जो सुर आगे से पढ़िए, पीछे से पढ़िए, आपको मलयालम भी सब पढ़ाएंगे। It's a heavenly language. यह जो स्वर्गीय भाषा है। And the angels speak this language. और जो स्वर्गदूत जो इस भाषा को बोलते हैं। I stood up. मैं खड़ा हुआ। Yes, sir. मैंने बोला सही है सर। मलयालम is the heavenly language. और मलयालम जो है वो स्वर्गीय भाषा है। Angels speak this language. और स्वर्गदूत जो है इस भाषा को बोलते हैं। Only fallen angels. और सिर्फ जो है जो स्वर्गदूत गिरा दिए गए थे वो स्वर्गदूत। The friends of Lucifer. और जो है वो दोस्त थे लूसीफर के। The teacher got very angry, cut 5 marks. और जो है मेरा क्लास टीचर बहुत गुस्सा हुआ, उसने 5 marks काट लिया। Sometimes we show ourselves we are very good. और कभी कभी दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। But backside is something else. लेकिन हमारे पीछे कुछ और होता है। Behind the curtain something else is there. और जो है पर्दे के पीछे कुछ और होता है। So we need to understand this. तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। अपने आप को धोखा ना दे। Bible says, do not be fooled. और जो है धोखा ना खाओ। God is not going to be fooled. और परमेश्वर को भी आप धोखा नहीं दे सकते। Sowing is the beginning of God's blessing. और जो है बीज बोना जो है परमेश्वर की आशीष का होना है। Sowing is the beginning of God's blessing. और जब हम बोते हैं तो परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। Without sowing, we cannot get harvest. और बिना बोए जो है हम कटनी नहीं काट सकते। Hallelujah. Hallelujah. We need to sow. और हमें जो बोने की जरूरत है। What you are going to sow? और आप क्या चीज को बोएंगे? Sow before the Lord. और परमेश्वर के सामने बोए। God knows what you are sowing from your life. और आप अपने जीवन से क्या चीज की बीज को बो रहे हैं परमेश्वर जानता है। My question is this. मेरा प्रश्न यह है आपसे। Are you sowing love? क्या आप प्रेम को बो रहे हैं? Are you sowing hatred? क्या आप जो है घृणा को बो रहे हैं? Are you sowing gossip? और क्या आप जो है चुगली को बो रहे हैं? Have your tongue become postman? और जो है आपका जीव जो है हमेशा घमंडी की बात करता है। पोस्टमैन डाकिया का काम करता है। You know, our leg is to walk. और हमारा पैर जो है चलने के लिए है। And tongue is to speak. और ये जीव जो है बोलने के लिए है। But sometimes our tongue gets the leg. और कभी कभी हमारा जीव जो है वो टांग बन जाता है। And thank God everybody. और जो सबके पास आके बताया, अब वो पता है उसने क्या कहा? तुमको बोला। अरे तुमको ही क्यों बोला? दूसरे को क्या नहीं बोलता है? Our tongue gets leg. और हमारा जीव जो है वो पैर बन जाता है। And we walk everywhere. और हम सब जगह जाते हैं। And we became postman. और हम लोग जो है डाकिया बन जाते हैं। Everybody, like one person is spreading, you know, thing to everybody. और एक बात को जो है सब लोगों को बात पहुंचाया जाता है। What you are sowing? और आप किस चीज को बोल रहे हैं? God knows that. परमेश्वर से जानता है। God knows that. परमेश्वर से जानता है। If somebody hates you, और यदि कोई व्यक्ति आपसे घृणा करता है, you know what Bible says? Bible says, if somebody persecute you, और कोई व्यक्ति जो है आपको सताव करता है, hates you, और आपको घृणा करता है, torture you, और आपको सताव करता है, you have to do 2 things. और आपको दो बात करना है। I do that. और मैं ऐसा करता हूँ। And I feel very happy. और मैं बहुत खुश होता हूँ। Jesus is very clever. और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही चतुर है। He says. और उसने कहा, If somebody hates you, यदि कोई व्यक्ति तुझसे जो है नफरत करता है, persecute you, और तुझे सताव देता है, do number one, पहली बात करो, pray for the person, और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, that we everybody does, और हम सब लोग करते हैं, because we cannot do any other things, और दूसरे इससे अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, so we just pray, okay, I pray for you. ठीक है आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Jesus was very clever. प्रभु यीशु मसीह बहुत चालाक थे। You know what he says? उसने पता क्या कहा? Pray for the person. उसके लिए जो है प्रार्थना करो। And bless them. और उसे आशीष दो। Buy a gift. और उसके लिए गिफ्ट खरीदे। And give to the person. और उस व्यक्ति को दे। Pray for the person. और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे। And give a gift for the person. और उस व्यक्ति को जो है आप गिफ्ट भी दे। Oh, you are torturing me. You are saying bad against me. Take this gift. और जो है आप मेरे बारे में गलत बात बोल रहे हैं, ये गिफ्ट ले लो। Jesus says, यीशु मसीह ने कहा, by doing this, और इस प्रकार को करने से, by doing this, और इस प्रकार को करने से, you are putting a burning coal on the head of the person. और आपके अंगारे जो है आप उसके सर पे रखते हैं। I want to put the burning head coal, okay? और
तो दैट्स व्हाई और इसीलिए इफ यू टॉर्चर मी यदि आप मुझे सताएंगे से बैड अबाउट मी मेरे बारे में गलत बोलेंगे आई विल प्रे फॉर यू आपके लिए प्रार्थना करूंगा एंड आई विल बाय गिफ्ट फॉर यू और आपके लिए एक गिफ्ट कर दूंगा नाउ जस्ट टू गेट द गिफ्ट डोंट बैक बाइट ओके और जो भी आपको गिफ्ट मिले मेरे बारे में चुगली ना करें और ये बहुत अच्छा एक सिद्धांत है Our love will change somebody. और हमारा प्रेम जो है किसी को बदल सकता है You know what? आप जानते हैं क्या? It is true I am speaking. और जो सही से मैं बोल रहा हूँ आपको There was a person, और एक व्यक्ति था He was not liking my post. और ये वो व्यक्ति मेरा पोस्ट पसंद नहीं करता था He was not liking my post. वो मेरा पोस्ट पसंद नहीं करता था He was kind of hating me. और वह जो है मुझसे नफरत करता था I never responded to him. और मैं कभी भी उसको जो है प्रतिक्रिया नहीं किया I met him I think last week. और पिछले सप्ताह मैंने उससे मिला Praise the Lord, brother. How are you, brother? मैंने कहा Praise the Lord, भाई कैसे हैं आप? I just met him. मैं उससे मिला And he's looking at me. और वो मुझसे देख मुझे देख रहा था This person hates me. और ये व्यक्ति मुझसे नफरत करता था I don't know what. He doesn't like me. और वो मुझे पसंद नहीं करता था Maybe he is young. और हो सकता है कि ये जवान है And he thinks he is not successful. और हो सकता है कि वो जो है सफल नहीं पाया है He thinks. वो सोचता है ऐसा But anyway, I will praise the Lord brother. मैं उसके पास गया मैंने praise the Lord भाई साहब Next day onward, और अगले दिन से He likes my comments and he put comments and say praise the Lord, amen. और वो जो है उसने मेरे पोस्ट को लाइक करना शुरू किया आमीन बोलना शुरू किया कमेंट लिखना शुरू किया I will tell you, my friend. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय What we are saying is very important. और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है Bible says, do not fool yourself. और बाइबल बताती है अपने आप को धोखा मत दो अपने आप को मूर्ख मत बना I don't, God cannot be fooled. और परमेश्वर भी ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता So, number one, पहली बात sowing and reaping, और जो है बोना और काटना number one, पहली बात God knows what you sow from your life. और परमेश्वर को पता है कि आप अपने जीवन से क्या चीज को बो रहे हैं number second, दूसरी बात number second, दूसरी बात What you sow is what you will get. और जो कुछ भी आप रोपेंगे उसी की कटनी काटेंगे Hello. What you sow, that you will get. और जिस चीज को भी आप रोपेंगे उसी की कटनी काटेंगे एक दूसरे को बोलिए जैसा रोपोगे वैसा पाओगे जैसा रोपोगे वैसा पाओगे आपका बगल वालों को समझ नहीं आया उसको हिला के बोलो जैसा रोपोगे पूछो समझ में आया बोलो आलू रोपोगे कटहल नहीं मिलेगा आलू मिलेगा टमाटर रोपोगे इमली नहीं मिलेगा टमाटर मिलेगा वेरी गुड व्हाट यू सो इज व्हाट यू विल गेट और जो कुछ भी आप रोपेंगे उसी को पाएंगे वर्स 7 इट सेज और सातवीं आयत में लिखा है व्हाटएवर ए मैन और वुमन सोस That he will also reap. क्योंकि जो कोई मनुष्य या स्त्री जो कुछ बोलता है वही काटेगा Once the seed is sown, और जब एक बार बीज बो दिया जाता है It is settled that you will receive. और यह पक्का हो जाता है कि आप जो है उसे पाएंगे भी Listen carefully. इसे ध्यान पूर्वक सुने Once the seed is sown, और एक बार जब बीज को बो दिया जाता है It is confirmed. और इस बात को यह पक्का कर देता है That some outcome will be there. तो वहां से कुछ निकलेगा You touch the fire. और आप आग को छुएंगे गलती हो गई हमने छुएंगे गलती हो गई लेकिन जलेगा तो जरूर गलती हो गई ठीक है So once you have sown, you are going to receive the harvest. और जब भी आप बीज को बोते हैं तो आप कटनी भी काटेंगे There are two possibilities. और दो संभावनाएं हैं यहाँ पे Sowing good seed will bring good harvest. और अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी कटनी को भी काटेंगे Sowing bad seed will bring corrupt harvest. और यदि आप गलत बीज को बोएंगे तो आप अच्छा कटनी नहीं काटेंगे If you sow love, यदि आप प्रेम बोते हैं What you will receive? Love. Love. आपको क्या मिलेगा प्रेम ही मिलेगा Do to others what you think that others should do to you. और दूसरे के लिए वैसा ही करो जो आप चाहते हैं कि वो आपके लिए करें. Do you need hatred? क्या आपको घृणा चाहिए? What do you need? Love? आपको प्रेम चाहिए? Care? देखभाल चाहिए? Yes. So you have to do same thing. Give to others love and care. और जो आपको चाहिए आपको दूसरे को देना है प्रेम
और देखभाल। Paul was teaching here to Galatians. और पौलुस जो है गलातियों को सिखा रहा था। Sowing good seed will bring good harvest. अच्छा बीज बोने से जो है अच्छा आप कटनी काटेंगे। Sowing bad seed will bring bad harvest. और खराब यदि बीज बोते हैं तो खराब कटनी काटेंगे। This is the same principle God was telling to Adam and Eve. और यही जो सिद्धांत जो है परमेश्वर जो है आदम और हवा को बोल रहा था। Multiply and fill the earth. और जो है फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। Reproduce yourself. और अपने आप को जो है फलवंत करो। Make somebody like you. और कोई व्यक्ति को अपने समान बनाओ। Reproduce yourself. और अपने आप को फलवंत बनाओ। Be fruitful and multiply. और जो फलवंत बनो और पृथ्वी में भर जाओ। Now listen carefully. Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुनो। Reproduce yourself. अपने आप को फलवंत बनाए। Now you think like this here in our situation. और इस परिस्थिति में इस प्रकार से सोचे। There are 20 people exactly like Hemant in this church. और इस कलीसिया में जो है 20 लोग भाई हेमंत के समान हैं। 30 people exactly like Pooja. और 30 लोग जो है वो बहन पूजा के समान हैं। 20 people exactly like Vikash. और 20 लोग जो है भाई विकास के समान हैं। 20 people exactly like Rakesh Paul. और 20 लोग जो है भाई राकेश पॉल के समान हैं। Let me 21 because more handsome, right? और 21 मुझे बोलने दीजिए। 20 people exactly like Pawan. और 20 लोग जो है पवन के समान हैं। I think there will be so much problem. और बहुत समस्याएं होगी। Exactly like you. और आप ही के समान दूसरा। You know yourself. आप अपने आप को जानते हैं। One person this city cannot bear. That is Raja Reddy. और एक व्यक्ति जिसको कि पूरा शहर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है भाई राजा रेड्डी। One person is enough for Jharkhand. और झारखंड के लिए एक ही व्यक्ति काफी है। If 10 Raja Reddy will be there. यदि 10 भाई राजा रेड्डी जैसे हो जाए the government will fall down. और जो सरकार को भी गिरा देंगे। You know, out of the abundance mouth speaker. और जो है जो हृदय में है वही मुंह से बाहर आता है। So you know yourself. आप अपने आप को जानते हैं। You know what are you when nobody is around you. और जो है जब आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है तो आप जानते हैं कि आप कौन हैं। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? So if opportunity is given to you, यदि आपको अवसर मिले, you will think, आप सोचेंगे, there should not be 10 people like me. और मेरे समान 10 प्रकार के लोग नहीं होने चाहिए, right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Because you know yourself. क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं. You will think, oh, there can be 10 people like Ajay भैया. और जो 10 लोग जो भाई अजय के समान होने चाहिए. Because he never says no. और क्योंकि वो कभी नहीं नहीं बोलते. But I will think no, there should not be 10 people like that. लेकिन मैं सोचूंगा कि नहीं, 10 लोग जो है भाई अजय के समान नहीं होने चाहिए। He comes to the church and leave his wife at home. और वो चकलिसिया में आते हैं, पत्नी को घर में छोड़ देते हैं। I will say no, that is my opinion, okay? और ये मेरा विचार है। One is enough. और एक काफी है। You know yourself. आप अपने आप को जानते हैं। What you sow. So shall you receive. जो कुछ भी आप बोएंगे उससे की कटनी आप काटेंगे। Reproduce yourself. अपने आप को फलवंत बनाए। So it means be good. और इसका मतलब है कि आप अच्छे बने रहें। So good thing in your life. अपने जीवन में अच्छी बातों को डालें। And reproduce more good thing. और ज्यादा से ज्यादा फलवंत बने। God has given us everything so that we can increase. और जो परमेश्वर ने हमें वो सारी अच्छी भली बातें दी है ताकि हम बढ़ सके। Hallelujah. Hallelujah. We can sow physically. और हम लोग जो शारीरिक रीति से बो सकते हैं। Naturally. और स्वाभाविक तौर से। And spiritually. और आत्मिक तौर से भी। We sow, we do the investment. और हम लोग जो है एक invest करते हैं। For our physical life. और हम अपने शारीरिक जीवन के लिए। People do the pension plan. और हम लोग पेंशन प्लान करते हैं। रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान करते हैं। We are sowing for our future. और हम लोग जो अपने भविष्य के लिए जो है बोते हैं। If you don't sow, यदि आप नहीं बोते, I'm saying 60 years I will retire. After 60 years I will retire. और 60 साल के बाद जो है मैं रिटायर हो जाऊंगा। And I will get money from the bank. और बैंक से जो है पैसा मिलेगा। But you have never invested.
invested. लेकिन आपने कभी भी जो है invest नहीं किया? Have you seen any farmer who is reaping without sowing? और क्या आपने ऐसा कोई किसान देखा है कि बिना बोए जो है वो कटनी की आशा करता है? No, we have to sow and then we reap. और नहीं, ऐसा नहीं होता. हमें जो है बीज बोना है तभी हम काट पाएंगे. Bible says, बाइबल हमें बताती है, the harvest is plentiful. और जो है फसल बहुत है, but laborers are few. लेकिन मजदूर थोड़े हैं. Now we pray for the laborers. और हम लोग प्रार्थना करते हैं मजदूर के लिए. But we don't want to become laborers. लेकिन हम लोग मजदूर नहीं बनना चाहते. Is there any farmer who is not sowing will receive? और क्या एक ऐसा कोई किसान है जो कि बिना बोए कुछ काट ले? We have to sow. और हमें बोना है? And we receive. तभी हमें मिलेगा. बोलिए, बोओगे? बोओगे. तो मिलेगा? तो मिलेगा. बोलिए, प्यार बोओगे? प्यार बोओगे. प्यार मिलेगा? प्यार मिलेगा. आलू बोओगे? आलू बोओगे. आलू मिलेगा? मिलेगा. थप्पड़ बोएगे? थप्पड़ मिलेगा. पैसा बोओगे? पैसा मिलेगा. And the last thing, और अंतिम बात, what the Bible says, और बाइबल हमें क्या बताती है? The third principle, और तीसरा सिद्धांत. Number one, I said, पहली बात को जो मैंने कहा आपसे, God knows what you sow. और परमेश्वर को पता है जो आप बोते हैं. Number second, दूसरी बात, what you sow is what you are going to get. और जो कुछ भी आप रोपेंगे उसी को आप पाएंगे. And number third, और तीसरी बात, if you sow, you will reap a harvest. और यदि आप बोएंगे तो आप जरूर कटनी भी काटेंगे. If you sow, यदि आप बोते हैं. See the word what it says. और देखिए वचन क्या कहता है. Do not be deceived, God is not mocked. Verse 7. For whatever is a man sows, he will also reap. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठंठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the spirit will of the spirit reap everlasting life. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाशी कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. If you are sowing only for the flesh, you will reap the corruption. और यदि जो है अपने शरीर के लिए हम बोते हैं तो हम लोग जो है खराब कटनी काटेंगे. Our desire is too much. और हमारी इच्छाएं जो है अनंत हैं. In my home there is shower. और मेरे घर में जो है एक नहाने वाला शावर है. And geyser. और गीजर भी है. To save water, what I do, you know what? और पानी को बचाने के लिए पता मैं क्या करता हूँ? Still take bucket and water and. और जो है बाल्टी में पानी डाल के मैं नहाता हूँ. To save water. ताकि पानी का बचाव हो. I think I can save water like that. और मैं सोचता हूँ कि मैं पानी इसी प्रकार से बचा सकता हूँ. But desire is too much. लेकिन इच्छाएं तो अनंत हैं. My desire is to have a tub in my home. और मेरा तो इच्छा है कि मेरे घर में टब होने पाए. And sleep, you know, both leg and. And put a headphone here and put cucumber on the eyes. और जो है उस टब में जो है घुस के मैं नहाऊं और कान में हेडफोन और आंख में कीड़ा लेकर के मैं उसमें आराम फरमाऊं. That's the desire. ये मेरी इच्छाएं हैं. And my wife comes with nice juice. और मेरी पत्नी जो है वो अच्छा है जूस लेके आती है. Some desires cannot be fulfilled. और कुछ इच्छाएं तो नहीं पूरा हो सकता. That's all right. और ये कोई बात नहीं. Your desire can be too much. और आपकी इच्छाएं अनंत हो सकती हैं. Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Too much desires. बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं. Now we need, you know, oh, this only 3 AC. Let's make 5 AC. Oh, मात्र 3 AC है. चलिए 5 AC करते हैं. लेकिन मैं पहले मेरे घर में 1 AC. I have 1 AC. और मेरे पास 1 AC है. Oh, that's enough. और वो मेरे लिए काफी है. Because that's for me, not for the guest. Okay? और वो मेरे लिए guest के लिए नहीं है. But I used to live in the house where, you know, the tiles were the khapra was the khapra house. और मैं उस घर में रहा करता था जिसमें खपड़ा हुआ करता था. And the water was leaking. और जो पानी चूता था. At night we will take the bucket and find where the water. और जो रात में जो बाल्टी लेके ढूंढते थे उस जगह को जहाँ पे पानी चूता था. So this house is enough for me. और वो घर मेरे लिए काफी. I don't want to make Taj Mahal. और मैं ताजमहल नहीं बनाना चाहता. But desire is there. लेकिन इच्छाएं अनंत है. Make a room like Radisson Blue. और जो है घर जो है Radisson Blue जैसा बनाए. The table should be golden kind of things, you know? और जो है मेरा टेबल जो होना चाहिए वो सोना से महा हुआ होना चाहिए. Silver tap. और जो है चांदी का जो है टैप होना चाहिए. That's a desire. और ये इच्छाएं हैं. That's the fleshly desire. और वह जो है शारीरिक इच्छाएं हैं. In order to fulfill that,
एंड मेंटेन दैट और उसको पूरा करने के लिए और उसको उसी प्रकार से रखने के लिए इट विल लीड मी टू करप्शन और मुझे जो है वो गलत काम करने पे मजबूर करेगा फेक रेपुटेशन और एक गलत जो है अपना रेपुटेशन बनाना पड़ेगा इफ यू सो इन द फ्लैश यदि आप शारीरिक रीति से बोएंगे इट विल लीड टू द करप्शन तो वह जो है गलत काम करने पे मजबूर करेगा सो इन द स्पिरिट यदि आप आत्मा में बोते हैं सो योर मनी इन द किंगडम ऑफ गॉड फॉर द गॉस्पेल यू नो यू विल गेट रिचेस स्पिरिचुअल रिचेस और जो है यदि आप परमेश्वर के राज में बीज बोते हैं यदि आप सुसमाचार के लिए बोते हैं तो आप जो है आत्मिक कटनी भी काटने पाएंगे Somebody was telling me, Pastor Rakesh, why don't you buy a big car? और किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अरे पास्टर राकेश आप बड़ी कार क्यों नहीं खरीद लेते I like Duster. और मुझे डस्टर बहुत पसंद है और big car. और बड़ा कार But, I was praying seriously on that. और मैं बहुत ही प्रार्थना कर रहा था उसके विषय में. God says, God told me. परमेश्वर ने मुझसे कहा. You have I-10. और तेरे तुम्हारे पास जो है I-10 है. Even if you have cycle. यहाँ तक यदि तुम्हारे पास साइकिल है. You don't have car. और आपके पास कार नहीं है. But you have wife from foreign, so people think you are rich. और क्योंकि तुम्हारे पति जो है विदेश से है तो तुमको लोग सोचते हैं कि तुम बहुत अमीर हो Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ When I came to Ranchi, जब मैं रांची शहर को आया, so many pastors came from different organization. और अलग-अलग जो है संस्था से लोग मेरे पास आए. Pastor Rakesh, we want to work with you. और आपके साथ में मैं काम करना चाहता हूँ. Okay. मैं बोला ठीक है. You know about my leadership? और आप जानते हैं मेरे अगुवापन के बारे में? Oh, we want to work with you. आपके साथ में काम करूँगा. I said I don't have money. मेरे पास पैसे नहीं है. I said bye bye. और उसने कहा bye bye. You know, like you have money because your wife is foreigner. और जबकि लोग सोचते हैं कि क्योंकि आपकी पत्नी जो है विदेश की है तो आपके पास पैसे होंगे. But my wife, लेकिन मेरी पत्नी, she was washing the dish in the restaurant to save money so that she can give for the mission. और जो है वह जो है रेस्टोरेंट में काम करती थी, बर्तन को धोती थी ताकि पैसा बचा करके जो है मिशन काम के लिए दे. Do you know that? क्या आप जानते हैं? You know that. आप नहीं जानते इसे. Why people? Why God bless people? परमेश्वर क्यों लोगों को आशीष देता है? Because we have to learn the principle. So in good, you will receive good. यदि आप अच्छे प्रकार से बोएंगे, तो आप अच्छी कटनी भी काट पाएंगे. Hallelujah. 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 I tell, still people think that I am very rich. और मेरे पास I-10 है और लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ। If I buy a big car duster, people will think he is super rich. और जो है यदि मैं duster खरीदूं तो लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत अमीर है। So I say no, it is enough for me. और ये मेरे लिए काफी है। Friends, I want to tell you this morning. और मित्रों मैं आपसे एक बात कह देता हूँ। If you sow, surely you will reap. यदि आप बोते हैं तो निश्चित तौर पे आप कटनी भी काटेंगे। Do not be weary. Do not be tired of doing good things. और अच्छे कार्य को करने में ढीले ना बने। I'm going to finish here. मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। But the Bible says. और बाइबल बताती है हमें। Verse 9. Do not be tired in doing good things. और अच्छे कार्य को करने में ढीले मत बनो। You will receive in due season. You will reap if we do not lose heart. क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। If we are patient. यदि हम धीरज रखते हैं। If we are patient. यदि हम धीरज रखते हैं, you know that the patience time is the farmer after sowing and until the harvest. There is a time for the patience. They have to wait. और जो रोपने के समय से लेकर एक कटनी तक का एक समय होता है, इसके लिए जो है बहुत धीरज रखना पड़ता है. He can do murmuring. और वह जो है कुरकुरा सकता है. Or he can rejoice in the Lord. और नहीं तो वो प्रभु में आनंदित हो सकता है. Let's see that we have sown some seed और देखिए कि कुछ बीज को हम लोग बोते हैं rice seed और अच्छे बीज को it will take 4 months now और 4 महीने लगेंगे I don't have to go and murmur grow now और वहां जाके मैं कुरकुराऊंगा नहीं बोलता नहीं रहूंगा कि अरे तुम बढ़ो it will take 4 months और वह 4 महीना लगेगा ही I can just go and pray for the seed और मैं जा करके जो है उस बीज के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ rejoice in the Lord और परमेश्वर में आनंदित रह सकता हूँ and thank God और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूँ do not lose patience
और जो है धीरज को न खोए. Somebody was giving testimony now. और अभी जो है कोई व्यक्ति गवाही दे रहे थे. अजय भैया always teach keep patience, keep patience. और भाई अजय जो है सिखाते हैं हमें कि धीरज रखो, धीरज रखो. Important, this is important. और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये. Whenever you have opportunity to do good, do good. और जब भी आपको मौका मिलता है अच्छे कार्य को करने के लिए तो अच्छा काम को करें. Hallelujah. Hallelujah. Verse 10 it says. और 10वीं आयत में लिखा है. Therefore we have opportunity. Let us do good to all. इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें. Especially to those who are of the household of faith. विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ. Whenever you have opportunity. जब भी आपको अवसर मिले. Whenever you think somebody is struggling. और जब भी आपको पता चलता है कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है. Whenever you have opportunity. जब भी आपको अवसर मिले. Do good thing. और अच्छे कार्य हो करें. Especially for the people who are in the faith. और जो लोग विश्वास में खासकर उनके लिए. I say to you, put every day at least 1 rupee. मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 1 rupee प्रतिदिन इसमें रखें. You are doing good. आप अच्छा कर रहे हैं. This for what? और इस किस लिए है? Not for me. मेरे लिए तो नहीं है. It is for somebody, maybe some children who don't have pencil, they can buy pencil from it. और उस बच्चों के लिए है जिनके पास पेंसिल नहीं है वो खरीद सकते. After giving 1 rupee or 100 rupee, will you become beggar? आपका 1 rupee 100 rupees देने से जो है क्या आप भिखारी हो जाएंगे? Nobody has become beggar after giving. और कोई भी व्यक्ति देने के उपरांत बाद जो है कभी कोई भिखारी नहीं बना. Every day if you give 1 rupee, it becomes 30 rupees. और हर एक दिन जो है 1 rupee देते हैं 30 rupees होता है. You can buy one notebook for somebody. और किसी के लिए जो है नोटबुक खरीद सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. I have two of this. और मेरे पास दो हैं. Who wants this? किसे चाहिए? Four hands are there. Please take. Give to her. First, please. But next Sunday we'll get more. और अगले सप्ताह जो है हम कुछ और लाएंगे. Now I was saying also about this. और मैं इस विषय इसके बारे में भी कह रहा था. What is this? और ये क्या है? Sir, when you have opportunity. जब भी आपको अवसर मिले. Whenever you have opportunity. जब भी आपको अवसर मिले. Do good. अच्छा करें. It will bring some difference in somebody's life. और किसी के जीवन में जो है कुछ बदलाव तो जरूर लेते आएगा. This is to become a Goodview Center pastor, partner. यह जो है Goodview Center partner बनने के लिए है. You can become pastor also, doesn't matter. और पास्टर भी बन सकते हैं कोई मतलब नहीं रखता. This is to become partner. You have to fill this one. Every month you pay 300, 500, 1000, 1 lakh, whatever. I don't care. It's not for me. और जो है ये मेरे लिए नहीं है. आप इसमें 300, 500, 1000, 2000, 1 लाख भर सकते हैं. And every month you do commitment that I want to give this donation so that the project can run. और हर एक महीना जो है आप वादा करते हैं कि मैं दूंगा ताकि जो भी कार्यक्रम होता है उसमें मदद मिले. And this part you can keep. और वो रंगीन भाग को आप रख सकते हैं अपने पास. This part you have to give back. और उजला वाले भाग को जो है आप दे सकते हैं. So you can take from here after the worship. और जो है वर्षिप आराधना के बाद इसे आप ले सकते हैं. Sir, as long as you have opportunity. और जितना समय आपको अवसर मिले. There will be a time you will not have opportunity. और एक समय आएगा जब आपको अवसर नहीं मिलेगा. Then you cannot do it. आप नहीं कर पाएंगे. Now is the opportunity. और यही वो समय है. Three principles I talked this morning. और तीन सिद्धांत के बारे में मैंने आपको सिखाया. About sowing and reaping. बोना और काटने के बारे में. I said number one. मैंने पहली बात बताया. I said to you that God knows what you sow. और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर को पता है कि आप क्या बोते हैं. Number second. दूसरी बात. What you sow is what you will get. जो कुछ भी आप रोपेंगे उसी को आप पाएंगे. Number third. तीसरी बात. If you sow. यदि आप बोते हैं. You will reap a harvest. और आप जो है कटनी भी काटेंगे. Shall we all stand? ऐसे लोग खड़े हो जाएं. Let us pray. हमने प्रार्थना